30 मई से क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होने वाला है और इस महासंग्राम को जीतने के लिए टीम इंडिया के रणबांकुरे इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस विश्व कप में भारतीय टीम के दो धुरंधरों पर सबकी नजर होगी और वो दो धुरंधर हैं विजय शंकर और हार्दिक पांड्या। दोनों ही टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ ये दोनों खिलाड़ी तेज गति से रन बनाने की भी काबिलियत रखते हैं, या फिर यूं कहें कि इन दोनों खिलाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर भी प्रतिस्पर्धा होगी। विजय शंकर ने हार्दिक के साथ अपने कंपटीशन को लेकर अपनी राय रखी है। विजय शंकर ने कहा कि प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए वो हार्दिक के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, बल्कि अगर टीम चाहे तो वो नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में विजय शंकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं पांड्या के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, वह कमाल के क्रिकेटर हैं। हाँ, हम दोनों हरफनमौला खिलाड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। हमें प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर हम दोनों देश की जीत में भूमिका निभा सकें तो यह शानदार होगा। वैसे विजय शंकर और हार्दिक पांड्या दोनों को ही बड़े शॉट खेलने के लिए जाना जाता है, लेकिन पांड्या जहां ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वहीं विजय शंकर टाइमिंग पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। शंकर ने कहा, मुझे बड़े छक्के लगाना पसंद है, मेरे लिए लय में बने रहना जरूरी है। जब भी मैं ताकत का इस्तेमाल करता हूँ तो ज़्यादा कामयाब नहीं होता हूँ, लेकिन अगर टाइमिंग अच्छी होती है तो गेंद दर्शक दीर्घा में जाती है। आपको बता दें कि भारतीय चयनकर्ताओं ने कुछ सीनियर खिलाड़ियों की जगह दोनों नए खिलाड़ियों को तरजीह दी है। चयनकर्ताओं को इन दोनों ही धुरंधरों से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। बेहतर होगा कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की अहमियत को समझते हुए ये दोनों खिलाड़ी चयनकर्ताओं की उम्मीदों पर खड़े उतरें और टूर्नामेंट में टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करें।